हम सफ़र के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम बताने जा रहे हैं दो डेसिमल में कितना बड़ा घर, मतलब लगभग 870 फीट स्क्वायर, मतलब वर्ग फीट हैं, 870 वर्ग फीट, जिसमें से मतलब कि इसकी चौड़ाई रहेगी जो चौड़ाई है इसकी 24.5 फीट, और जो लंबाई रहेगी, लंबाई इसकी 35.5 फीट, ठीक है, 5 फीट ये रहेगी लंबाई, ये रहेगी चौड़ाई। इतने में वर्ग फीट बन रहा है, 870 वर्ग फीट बन रहा है यहाँ पे इतने में। अब ये रहा तुम्हारा बरामदा, यहाँ पर यहाँ से रहेगी एंट्री, मतलब ये बनेगा तुम्हारा गेट, यहाँ पे गेट बन जाएगा। इतनी जगह यहाँ भी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा जगह, यहाँ थोड़ी कम जगह छोड़ेगी, यहाँ थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ जाएगी। ये इसकी इसका पूरा रहेगा 11x11 का रहेगा। यहाँ पर रहा, यहाँ माया गेट लगवा लो, चाहे कोई भी गेट लगवा लो, कोई भी आपके पास जो उचित लगे वो गेट लगवाओ। इसके बाद अंदर जाना, यहाँ पर अंदर हो गया, अंदर इसके बाद यहाँ से इसके बाद ये बगल से निकली सीढ़ियाँ, जो सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, ये पूरी सीढ़ियाँ 11x11 का ये रूम है। 11x11 के यहाँ पे आप मोटरसाइकिल है, अपनी मोटर वाहन कोई भी खड़ा कर सकते हैं, अपने जूता चप्पल वगैरह हैं, कुछ भी अपनी साइकिल आइकिल वगैरह वो बच्चों की खड़ा कर सकते हैं। ये रहा भी बगल से बेडरूम, बेडरूम की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है, ये है चौड़ाई है इसकी 13x5 फिट, और इसकी लंबाई है 11 फिट, 11x13 का है, 11x13 का है पूरा गेस्ट रूम है, गेस्ट रूम है ये पूरा। गेस्ट रूम के बाद यहाँ चले आओ, गेस्ट रूम के बाद यहाँ चलो, तो एक पड़ेगा स्टडी रूम यहाँ पे बच्चों के लिए, स्टडी किताबें बुक सेफ्टी वगैरह जो भी उसके खेल उसके सामान खेल कूद के सामान वगैरह सब इसी में रहेंगे, पूरा बुक वगैरह सब रहेंगे। जो 12x12 फिट चौड़ा है, 12 फिट लंबा है, 12 फिट लंबाई 12 फिट चौड़ा है, 12x12 इसका गेट का निकास यहाँ से रहेगा। फिर इसके बाद ये है, यहाँ पर रहेगा एक गेट और रहेगा जो तुम्हारा बेडरूम का रहेगा, ये बेडरूम वाला है, बेडरूम का ये गेट है, ये है बेडरूम वाला, बेडरूम में मतलब कि आपका बेडरूम, बेडरूम की रहेगी चौड़ाई रहेगी इसकी 14.5 और 15.5 रहेगी लंबाई, कुछ 12.5 लंबाई रहेगी, मतलब कि आपका बेडरूम मतलब इस पूरे मकान के हॉल में सबसे बड़ा बेडरूम होगा। फिर इसके बाद एक 10 फीट है और 10x12.5 फीट का बनेगा यहाँ पे एक पूजा रूम, मतलब पूजा रूम में मतलब साड़ियाँ जो भी आपके पास कपड़े अपड़े सामान वामान या पूजा उजा पूजा भगवान भगवान वगैरह पूजा वाला रूम ये बनेगा। इसके बाद बनेगा फ्रिज स्टोर रूम, फ्रिज वगैरह, फ्रिज जो सामान वामान किचन का सामान पो, और किचन वाला ये वाला है, ये थोड़ी सी जो निकाल दी है यहाँ पे एक लाइट लगाने के लिए, लाइट नहीं होती जो लाइट लगाने के लिए यहाँ पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे दोनों जगह लाइट, थोड़ी छज्जा निकला हुआ है छज्जे पर लाइट लगाने के लिए। यहाँ से रहेगा दरवाज़ा, इसका गेट रहेगा यहाँ से, इसका गेट रहेगा दोनों का रहेगा कि दोनों का इसमें गेट गेट भी रहेगा यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे छज्जा निकाल देंगे, छज्जे से क्या होगा मतलब इसमें थोड़ी सी लाइटें लग जाएंगी तो उंजेला यहाँ पे मतलब बना रहेगा यहाँ पे, और वो फिटिंग वाली लाइटें अलग होगी, मतलब फिटिंग के अकॉर्डिंग ही ये लाइट लगाई जाती हैं, ये रहेगा इसकी रहेगी जे दोनों की रहेगी 12x12 इसकी 6x7 रहेगी, 12x7 रहेगी, ऐसे में इसकी रहेगी 12 फिट, ऐसे में 6 जो वाली 6 कर लेना, ये 7 भी 6 दोनों 6 कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये बनी गैलरी बनी रहेगी, इतनी गैलरी बनी रहेगी ये पूरा, और ये बन जाएगा तुम्हारा मतलब पूरा। इसमें अगर अच्छी मजबूती चाहिए, वैसे तो ये मतलब पिलर भी ना भी लगाओ तो काम चलेगा, अगर अच्छी मजबूती चाहिए तो पिलर लगेगा इसमें, कितने पिलर होंगे, एक ये पिलर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पिलर हो गई, 7 पिलर, 8, 9, 10, 11 मतलब 4 इस तरफ 4 इस तरफ 8, 9, 10, 11 मतलब 11 पिलर हो चाहिए इस रूम में। वैसे पिलर जब यहाँ पे लग जाएंगे, पिलर पे चलो, तो यहाँ पे पिलर लगवाने की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी के दिन हो सकता है इस दीवार को सेम रखना, बिल्कुल इस दीवार को मतलब सेम रखना, ताकि ऐसा पूरा वो रहे, यहाँ पे गेट रहे वो अलग, यहाँ पे सेम रहे।
कभी किसी दिन अगर कोई समस्या समस्या हुई, अगर कुछ हुई तो अपने कर ये इस दीवार में प्लान नहीं, ये पूरा हॉल निकल आएगा, पूरा पूरा हॉल आ जाएगा, ये पूरा इतना रहना चाहिए, ये पूरा रूम बन गया। इसका खर्च लगभग लगभग आपको आएगा, अगर पिलरदार बनवाओगे तो पिलर्स बनवाओगे तो 13 लाख, 13 लाख रुपए इसका खर्च आ जाएगा, लगभग 13 लाख रुपए इसका खर्च आ जाएगा बनवाने में, अच्छा मजबूत घर बनाने। 10 लाख में भी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं है, 10 लाख में बन जाएगा, मतलब खुद अगर घर बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो, 10 लाख रुपये लगेगा, 10 लाख में घर बन जाएगा पूरा आपका, और इसी तरीके से बनवाओगे तो बेस्ट रहेगा। और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, लाइक भी करिए, ताकि हम और भी हम इसी तरह के नक्शे बनाएं आप तक पहुंचा सकें, ताकि आपका मकान बेस्ट से बेस्ट बने। मकान एक ही बार बनता है, 10 बार नहीं बनाया जा सकता, जिससे आप उसमें भी देख सको, अलग अलग से देख सको, मतलब कि ये नक्शा इस प्रकार बनवाना है, इस प्रकार बनवाना है, इस प्रकार बनवाना है, आप देख सको। इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, सबका एक घंटी भी बता दीजिए, दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट हमारी आती रहे। धन्यवाद।